वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। आज हम दूसरी शताब्दी ईस्वी के सबसे प्रसिद्ध रोमन ग्लेडिएटर्स में से एक फ्लामा की कहानी को जानेंगे। आप में से ज्यादातर लोगों ने स्पार्टाकस का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन फ्लामा की कहानी भी उसी की तरह वीरता, साहस और अद्भुत फैसलों से भरी हुई है। आखिर कौन था यह योद्धा जिसने बार बार अपनी आजादी छोड़कर गुलाम बने रहना और अखाड़े में लड़ना ही चुना? हमारे साथ बने रहे क्योंकि हम उस वीर की कहानी जानेंगे जिसने कोलोसियम की रेत पर अपना नाम अमर कर दिया। फ्लामा का जन्म एक प्रसिद्ध योद्धा के रूप में नहीं हुआ था। ज्यादातर इतिहासकारों के अनुसार उसने अपनी जिंदगी एक सीरियाई सैनिक के रूप में शुरू की, जिसके अपने सपने और उद्देश्य थे जैसे बाकी सबके होते हैं, लेकिन किस्मत ने उसे क्रूर रोम के ग्लेडिएटर्स की दुनिया में धकेल दिया। सोचिए, जब आपकी आजादी आपसे छिन जाए और आपकी एकमात्र उम्मीद बस यही हो कि आप सैकड़ों लोगों के सामने अपनी जान के लिए लड़ते रहें जो आपको महज मनोरंजन का साधन मानते हैं। फ्लामा के ग्लेडिएटर बनने से पहले उनके शुरुआती जीवन और इतिहास के संभावित सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म 118 या 122 ईस्वी में हुआ होगा और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे बार कोकबा विद्रोह, रोम के खिलाफ एक यहूदी विद्रोह में शामिल थे। जबकि हमारे पास इसके कोई प्रमाणित स्रोत नहीं है, यह संभव है कि इस संघर्ष के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया हो और ग्लेडिएटर्स की दुनिया में धकेल दिया गया हो। 66 ईस्वी से 145 ईस्वी के बीच यहूदी गुलामों का ग्लेडिएटर स्कूलों में होना सामान्य बात थी, जो मुख्यतः यहूदिया, साइप्रस, मिस्र और सीरिया में निरंतर संघर्ष के कारण था। इनमें से कई को गुलामी में धकेल दिया गया और कुछ को, जैसे फ्लामा को, शायद ग्लेडिएटर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। फ्लामा की दूसरी सदी की ग्रेवस्टोन पर पाए गए पत्थर से सीरियाई वंश का संकेत मिलता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वो एक यहूदी सीरियाई थे जो इन विद्रोहों में पकड़े गए थे। 132 से 136 ईस्वी के बीच हुए बार कोकबा विद्रोह के दौरान फ्लामा की गिरफ्तारी का अंदेशा लगाया जा सकता है। उस समय फ्लामा की उम्र लगभग 14 साल रही होगी जब यह मुख्य यहूदी विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोहों को कुचलने के बाद रोमनों ने कई यहूदियों की हत्या कर दी या उन्हें गुलाम बना लिया। 17 वर्ष की आयु में फ्लामा ने अपने देश का विनाश, परिवार के सदस्यों की मौत और यहूदी बस्तियों को उजड़ते देखा होगा। अगर वे पकड़े गए होंगे तो फ्लामा जैसे कई यहूदी विद्रोहियों को युद्धबंदी बनाकर ग्लैडिएटर बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया होगा। एक और संभावना यह भी है कि फ्लामा एक रोमन सहायक सेना के भगोड़े हो सकते हो। लीजियो 3 गैलिका, जो सीरिया में तैनात थी, ने बार कोकबा विद्रोह को कुचलने में मदद की। फ्लामा ने संभवतः 16 या 17 वर्ष की आयु में इस सहायक बल में शामिल हो गए होंगे। अगर उन्होंने रोमन आदेशों का उल्लंघन किया या सेना छोड़ दी तो उन्हें सजा के तौर पर गुलामी में बेच दिया गया होगा और इस तरह उनकी किस्मत एक ऐसे ग्लैडिएटर के रूप में तय हो गई जो मौत से सामना करने के लिए मजबूर था। आप चाहे किसी भी सिद्धांत पर विश्वास करें, परिणाम एक ही है। मात्र 17 साल की उम्र में फ्लामा ने एक गुलाम के रूप में एरेना में कदम रखा। फिर भी हर चुनौती के बावजूद फ्लामा ने न सिर्फ जिंदा रहने में कामयाबी पाई बल्कि रोमन जनता का सम्मान और प्रशंसा भी हासिल की। उनके पास सिर्फ लड़ने की क्षमता नहीं थी, उनके भीतर एक अनोखा साहस और अडिग जज्बा था जो हर बार उन्हें मैदान में ले जाता। इस क्रूर भाग्य का सामना करते हुए फ्लामा ने एक ऐसी चीज पाई जो जीत से भी बड़ी थी, एक अदम्य साहस जो वे हर लड़ाई में दिखाते थे। फ्लामा की तलवारबाजी की कला बेजोड़ थी। वे एक सेक्यूटर बने, एक प्रकार का ग्लेडिएटर जो नेट और त्रिशूल वाले रेटियरियस के खिलाफ लड़ता था। हर मुकाबला सिर्फ ताकत की ही नहीं बल्कि साहस और जीवित रहने की कुशलता की परीक्षा होती थी। फ्लामा एक के बाद एक जीत हासिल करता गया और रोमन जनता की प्रशंसा अर्जित करता गया। लेकिन ग्लैडिएटर्स सिर्फ शोहरत के लिए नहीं लड़ते थे, हर मुकाबला एक बड़ा जोखिम था, मौत
बस एक सांस की दूरी पर होती। सोचिए, हर कदम, हर तलवार का वार ऐसा था मानो वही आखिरी हो सकता है। और यहीं से फ्लामा की कहानी एक अनोखा मोड़ लेती है। रोमन ग्लेडिएटर सिस्टम में पुरस्कार भी थे। कई लड़ाइयों में जीत हासिल करने के बाद एक ग्लेडिएटर को पुरस्कार के तौर पर एक लकड़ी की तलवार दी जा सकती थी, जिसे रुदिस कहा जाता था, जो उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक होता था। फ्लामा को 4 बार स्वतंत्रता का अवसर मिला, केवल 1 बार नहीं बल्कि 4 बार। उन्हें खून खराबे और संघर्ष से दूर एक स्वतंत्र जीवन जीने का मौका मिला, फिर भी उन्होंने इसे ठुकरा दिया। आखिर क्यों? क्या उन्हें दर्शकों की तालियों ने फिर से लौटने पर मजबूर किया, या फिर मुकाबले का जोश और रोमांच उन्हें खींच लाता था? शायद। एरेना में बिताए गए सालों के बाद ग्लैडिएटर बनना ही उनकी असली पहचान बन गया था। शायद उनके लिए आजादी ही किसी जेल जैसी थी। शायद फ्लामा ने समझ लिया था कि उनकी कहानी और उनकी विरासत एरेना की रेत में ही बसती है। बाहर वे बस एक आम इंसान थे, लेकिन एरेना के भीतर वे एक महानायक थे। फ्लामा ने 34 लड़ाइयां लड़ी, जो किसी भी ग्लैडिएटर के लिए एक असाधारण संख्या है। अधिकतर ग्लैडिएटर्स इतने लंबे समय तक जीवित ही नहीं रह पाते थे। उदाहरण के लिए पुरिचिना यूवेनस, जिन्होंने केवल 5 बार लड़ाई की, और ग्लॉकस ऑफ मोदेना, जिन्होंने 7 लड़ाइयां लड़ी। फ्लामा की अविश्वसनीय सहनशक्ति के आगे वे टिक नहीं सके। उनके अदम्य साहस ने उन्हें एक साधारण तलवारबाज से ऊपर उठाकर शक्ति और विद्रोह का प्रतीक बना दिया। फ्लामा ने अधिकांश ग्लैडिएटर्स से अधिक जीवन जिया। वे 30 साल की उम्र तक पहुंचे, जबकि बाकी की मौत अक्सर 20 की उम्र में ही हो जाती थी। एरेना में, जहां जीवन छोटा था, फ्लामा हमेशा के लिए दृढ़ता का प्रतीक बनकर खड़े रहे। सिसिली में खोजे गए के ग्रेवस्टोन पर लिखा है, फ्लामा सेकुटर 30 वर्ष की आयु तक जीवित रहे, 34 बार लड़े, 21 बार जीते, 9 बार ड्रॉ किया, 4 बार पराजित हुआ, नेशनैलिटी से 1 सीरियाई। डेलिकटस, जो एक साथी ग्लेडिएटर थे, ने अपने इस साथी को एक श्रद्धांजलि दी, अपने योग्य साथी के लिए। फ्लामा की वास्तविक कहानी आज भी रहस्य में लिपटी हुई है, लेकिन यह उन कठिनाइयों का प्रतीक है जिनका सामना अनेक गुलामों ने रोम के अधीन किया, चाहे वह एक यहूदी विद्रोही हो या एक रोमन भगोड़ा। एरेना में उनका नाम मानव आत्मा की अदम्य साहस का प्रतीक बना हुआ है। फ्लामा का जीवन एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ग्लेडिएटर के रूप में समाप्त हुआ, एक योद्धा जो एरेना की सीमाओं में बंधा था। फिर भी उन्होंने एक ऐसी स्वतंत्रता पाई जो शायद ही किसी और को नसीब हुई हो। उनका नाम आज भी जीवित है, जो हमें याद दिलाता है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए मानवीय साहस में कितनी ताकत होती है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या फ्लामा एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी को पीछे नहीं छोड़ सका, या एक ऐसा नायक जिसने सम्मान को स्वतंत्रता से ऊपर रखा? मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर उनकी कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो लाइक बटन दबाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इतिहास की और भी अविश्वसनीय कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद, और हमेशा की तरह स्टे क्यूरियस एंड स्टे ब्रेव।